कानपुर में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दलाल किस्म के लोग अब मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे। चुन्नीगंज स्थित GIC मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। कहा कि क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के रास्ते खुले हैं, छोटे सियासी दलों से भी बात की जाएगी, यह वक्त बताएगा कि कितने दलों से गठबंधन हो पाता है। ओवैसी ने विरोधी दलों को चेताते हुए कहा कि AIMIM ने 5 साल में प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत कर ली है। किसी दल का नाम लिए बगैर बोले कि मुस्लिम वोटों को बेचने वाले दलाल अब सफल नहीं हो पाएंगे, इसका पता चुनाव में चलेगा। बच्चों के तालीम को तुम उसको खबर बना देते हो, बर्बाद कर देते हो, क्योंकि ये जानते हैं नाम निहाद सेक्युलर पार्टी के लोग कि मुसलमान को सिर्फ डराओ बीजेपी से। बताओ कानपुर के मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरते या मोदी से डरते बताओ, तुम योगी से डरते या अल्लाह से डरते बताओ, तुम क्या किले से मोहब्बत करते या अल्लाह से मोहब्बत करते बताओ। और याद रखो, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है।